अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 के हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर पे आते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर अब नाम से पता लग रहा है कि ये एटम का नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नंबर की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। और ये होता क्या, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही प्रोटॉन ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, इसलिए हम एटॉमिक नंबर को जो है वो इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। और इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी जो होती है, इसको एक जनरल सिंबल जेड से जो है वो डिनोट किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। इस तरह कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके बाद है मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे, अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम सम कर दें तो सम करने से जो चीज़ आती है उसको हम न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, या फिर मास नंबर का नेम भी दिया जाता है। और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसको एक जनरल सिंबल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर्मूला, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। और प्रोटॉन नंबर की जगह हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर का सिंबल जेड और एटॉमिक नंबर का, मास नंबर का सिंबल ए होता है और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से लिखते हैं। तो ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी एलिमेंट के एटम का मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और प्लस 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 + 0 करेंगे तो मास नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 + 6 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो 16 आएगा। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मास नंबर उनके एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका मास नंबर 12 है, यानी 6 का डबल 12। इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, यानी 7 का डबल करेंगे तो 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है और ऑक्सीजन का मास नंबर जो है वो 16 है, यानी 8 + 8 करेंगे तो 16 बन जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, यानी उसके एटॉमिक नंबर का डबल है, 12 + 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसी तरह फ्यू और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल होता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपने टेबल नंबर 1.4 और 1.5 भी रिमेंबर करना है। टेबल नंबर 1.4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, और ये अक्सर बोर्ड में पूछा हुआ है। और टेबल 1.5 में जो है फ्यू एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन्स हैं, और उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो भी गिवन है। तो ये दोनों टेबल आपने जो है वो रिमेंबर करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1, एग्जाम्पल नंबर 1.1 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल टू दिस एंड जेड इज इक्वल टू दिस। ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं, और किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम
तीन काम करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं, उसके बाद टू फाइंड, फाइंड क्या करना है इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या है, अगर हम देखें तो इसमें ए इज इक्वल टू 238 है गिवन डाटा, और जेड इज इक्वल टू 92 है। और फाइंड क्या करना है हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो है वो एक थॉट डेवलप करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे सोचेंगे कि इस गिवन डाटा में जो है वो z इज इक्वल टू 92 है, और z क्या होता है, z किसका सिंबल है, z जो है वो एटॉमिक नंबर का सिंबल है, और एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उतनी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो पहली चीज़ तो हम यहीं से हमें पता लगी है कि अगर z इज इक्वल टू 92 है तो प्रोटॉन्स किसकी इक्वल होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, तो जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 92। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये है। सेकंड आंसर है हमारा, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने मास नंबर में कैलकुलेट किया था। एज वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन नंबर को हम, मास नंबर को हम ए से लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर को हम जेड से लिखते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से लिखते हैं, ठीक है, एन से। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, जेड इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड। तो एटॉमिक मास गिवन है 238 और एटॉमिक नंबर 92 है, तो इनको हम माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 146। ये हमारा सेकेंड आंसर है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इन अ सिंबल। किसी भी एलिमेंट, एटम के एलिमेंट के सिंबल में हम किस तरह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि ये एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट, सोडियम के एलिमेंट का एक एटम है, और 23 इसका मास नंबर है और 11 इसका एटॉमिक नंबर है। जो मास नंबर होता है वो हमेशा हम टॉप पे लिखते हैं, लेफ्ट टॉप साइड पे लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम हमेशा लेफ्ट बॉटम पे लिखते हैं, बॉटम वाली साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट बॉटम पे लिखते हैं। यानी कि जो मास नंबर है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है।